हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक ट्यूटोरियल्स पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक एक बैंकिंग से रिलेटेड होगा और एक जो सीरीज़ है वो आज हमारे चैनल पे स्टार्ट हो रही है और ये पहली सीरीज़ होगी बैंकिंग की। इसमें हम जो सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जो सबसे छोटा क्वेश्चन होता है लीनियर अरेंजमेंट का विद वन वेरिएबल, ठीक है, और उसमें भी कोई डिफ़िकल्टी लेवल एकदम ज़ीरो उसका, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और बेसिक चीज़ें जो है वो सीखते सीखते एकदम एडवांस की ओर बढ़ेंगे। और सर्कुलर अरेंजमेंट जिसमें कि तीन या चार वेरिएबल होंगे वो भी एकदम एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट लैंग्वेज जो होगी वहाँ तक के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप अपने आने वाले पेपर्स में उसको आसानी के साथ सॉल्व कर पाएँ और जो कम से कम टाइम जो उसमें लगता है वही आपको लगना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, एकदम बेसिक सी बातें हैं, ठीक है, वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए तभी आप एक सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सही से अप्रोच कर पाओगे, ठीक है, वरना आपकी अप्रोच जो है उसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम रहेगी और आप सोचोगे कि क्या, मतलब कैसे होगा, क्या है, मेरा सही क्यों नहीं होता है, ठीक है। और आप में से मोस्टली लोग जो है जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये ढूंढ रहे होंगे कि कहीं से कोई एक ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जो हमको पता चल जाए और हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है वो आसानी के साथ जो है वो सॉल्व हो जाए। बट आपको मैं एक बात तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो आपको कोई सिखा दे और आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लें, ठीक है। आसानी के साथ सॉल्व तो हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन उसके में कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा, ठीक है। उसमें आपकी अप्रोच अगर सही है और आप एक सही माइंड फ्रेम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका काम बड़े ही आसानी के साथ हो जाएगा। देखो, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में जो एक की फैक्टर है, वो की फैक्टर किस चीज़ का है, वो है प्रैक्टिस का। जितनी आप इस इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना आपका जो टाइम है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का उतना कम होता जाएगा। और दूसरी बात, उतने आप जो स्टेटमेंट जो इन क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं उन स्टेटमेंट के साथ फैमिलियर हो जाएंगे। और एक बार जब आप स्टेटमेंट्स के साथ ढंग से फैमिलियर हो जाएंगे ना, तब आपको ये अच्छे से पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस को हमें किस वे में बनाना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमको इन्फॉर्मेशन पहले दे दी जाती है लेकिन उसका यूज़ बाद में होता है, लेकिन अगर हमने एनफ प्रैक्टिस नहीं करी है तो हम वही के वही उसका यूज़ करने की कोशिश करेंगे और जिससे कि हमारी या तो जो नंबर ऑफ़ केसेस होते हैं, जो नंबर ऑफ़ पॉसिबल केसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे या फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, ओके। और सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा है कि अगर आपने ज़्यादा दिमाग लगाए बिना सॉल्व किया तो बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा दिमाग लगाया, चार पाँच केसेस बना लिए, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बना ली और हर केस को लेकर चल रहे हो, तो आपका टाइम भी जाएगा, क्वेश्चन भी जाएगा, कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बेसिकली तीन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहली जो चीज़ है वो है फोकस। आपका जो फोकस है, ठीक है, वो आपका एकदम क्वेश्चन पे होना चाहिए। और मैं फोकस से क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी, ओके। आपने कोई एक लाइन पढ़ ली तो उसका यूज़ उस वक्त भले ही ना हो रहा हो, लेकिन वो क्वेश्चन में दी है तो बाद में उसका यूज़ ज़रूर होगा। तो आप उसको किसी ना किसी तरीके से अपने जो पेपर है वहाँ पे लिख के उसको ज़रूर रखें। आपको क्वेश्चन एक ही बार पढ़ना है और एक ही बार में आपको अपने सारे नोट्स उसके जो अपना पेपर है वहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। दोबारा आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपका टाइम कम करेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको यही आपकी कोशिश होनी चाहिए, ठीक है, कि आपका कम से कम टाइम लगे। तो आपका फोकस वहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपका फोकस नहीं होगा तो हो सकता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर जाएं, ठीक है। और अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर दी तो दैट कैन बी फैटल। तो एक जो क्वेश्चन होता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, उसमें तीन क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन आपके होते ही होते हैं, ठीक है। और अगर आपने एक भी इन्फॉर्मेशन सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में, सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि अगर आपकी एक भी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर हुई तो आपका पूरा अरेंजमेंट गलत हो जाएगा और उसके बाद जितने भी पांच क्वेश्चंस वो आपसे उस अरेंजमेंट के ऊपर पूछेगा, आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं होने वाला है। तो आपके पूरे जो मार्क्स होंगे, अगर दो नंबर का क्वेश्चन है तो उसके 10 मार्क्स हो गए और अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स हो गए। जितने मार्क्स का भी वो क्वेश्चन है आपके टोटल मार्क्स वेस्ट हो गए, ठीक है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइम चला गया।
और आपको पता है बैंकिंग एग्ज़ाम्स में टाइम की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और कितना इम्पोर्टेंट होता है टाइम का मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपका टाइम ख़राब हुआ तो आपका वो वाला एग्ज़ाम तो गया, एक क्वेश्चन से आपका वो पूरा एग्ज़ाम जो है आप अगले साल के लिए फिर तैयारी कर रहे होंगे, वो साल तो आपका गया। तो आपका फोकस जो है वो क्वेश्चन पर होना चाहिए, एक भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी है। उस वक्त यूज़ नहीं हो रही है तो आप उसको लिख के रख लीजिए। कैसे लिखनी है वो हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनमें हम सीखेंगे, ठीक है। जो सेकंड जो आपकी चीज़ है जो आपको यूज़ करनी है वो है आपका दिमाग, आपको यूज़ करना है कि क्वेश्चन को एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी वक्त आपको एनालाइज करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ यूज़ करनी है और इसका क्या मतलब है। एनालाइज और डिडक्शन ये चीज़ें आपकी साथ के साथ होनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन से कुछ कंक्लूजन्स डिड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ, एक आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपको कैसे काम करना है, और आपको बहुत छोटा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसके आपको थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे कि आप में वहाँ पे एक स्टेटमेंट था कि ओ और एस के बीच में दो लोग बैठते हैं, ठीक है। सपोज करिए ये एक सिटिंग अरेंजमेंट है ऐसे, और यहाँ बैठा है आपका ओ, ठीक है। अब वो कहता है कि ओ और एस के बीच में दो लोग बैठते हैं। अब आपको ये तो पता है कि ओ और एस के बीच में दो लोग बैठेंगे, लेकिन ओ के जो एस है वो इस साइड बैठेगा या इस साइड बैठेगा आपको नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है कि ओ जो है वो यहाँ पे बैठा है। तो आपको अपने रीजनिंग से ये पता लगाना है कि जो एस है वो इस साइड तो आ ही नहीं सकता, इस साइड ही कहीं आएगा, तो दो लोग बैठेंगे तो एस आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिडक्शंस जो है वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल सा केस है, आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, लेकिन इससे बहुत टिपिकल केसेस आपके वहाँ पे आएंगे, और आपको अगर आप उनसे पहले से फैमिलियर हैं तो आपको उनका मतलब अच्छे से पता होगा कि ये स्टेटमेंट देके ये हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, और हमको कैसे इस स्टेटमेंट को यूज़ करना है। तो आपको तीन चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फोकस, आपकी जो आपको जो आपको पेपर को जो है क्वेश्चन को जो है ढंग से देखना है, उसको एनालाइज करना है कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, कौन सी इन्फॉर्मेशन कब यूज़ होगी कब नहीं होगी, और थर्ड जो आपके डिडक्शंस हैं वो एकदम प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। और वो प्रॉपर तभी होंगे जब आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो अगर आपको फर्स्ट टाइम में आपको किसी ने चार वेरिएबल का क्वेश्चन दे दिया तो आपको दो दिन भी अगर आपको वो दे दे तो शायद आपसे वो क्वेश्चन ना हो पाए, ठीक है। और अगर आपने एनफ प्रैक्टिस करी है तो वही चार वेरिएबल का क्वेश्चन आप 5 से 7 मिनट में आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं, इवन चाहे वो सर्कुलर अरेंजमेंट क्यों ना हो, ठीक है। तो चलो, ये तो हमारी थ्योरी थी छोटी सी, अब हम स्टार्ट करते हैं। और हम डेली कोशिश में ही रहेगी कि मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँ, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस की तरफ जाएंगे, और क्वेश्चंस के बीच में मैं आपको बताता जाऊँगा कि इसका मतलब क्या है और यहाँ पे आपसे क्या कहना चाह रहा है, कैसे आपको लिखना है और क्या आपको कैसे आपको प्रोसेस फॉलो करना है, ओके। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन अब आ रहा है, आप इसको देख लीजिए, ओके, और इसको पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप, ठीक है, लिख लीजिए, और फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो क्वेश्चन है आपका वो आपसे ये कह रहा है कि एम एन ओ पी क्यू आर एस आर 7 persons, एम एन ओ पी क्यू आर एस आपके 7 लोग हैं, सिटिंग इन ए रो, एक रो में बैठे हैं, एक लाइन में बैठे हैं, ठीक है, फॉर ए फोटो सेशन। अब फोटो सेशन उसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है, उसका फोटो सेशन कहने का मतलब है कि उन सबका मुंह जो है ना वो एक तरफ होगा, ऐसा नहीं है कि किसी का मुंह इस तरफ है, किसी का मुंह पीछे की साइड है, किसी का मुंह इस तरफ है, नहीं। फोटो सेशन कब हो सकता है, जब सभी लोग एक तरफ देख रहे हों और सामने से कोई आपका फ़ोटो खींच ले। अगर मतलब सपोज करिए जिस कैमरे से अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर यहाँ पे कोई फ़ोटो खींच रहा है तो सबका मुंह इस तरफ ही होना चाहिए, ओके। तो फोटो सेशन का मतलब है कि सबका मुंह एक तरफ है, किसी का मुंह दूसरी डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, पहली इन्फॉर्मेशन तो ये। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे डिड्यूस करना पड़ेगा, ओके। जब आपको प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत अच्छे से इसको डिड्यूस कर पाओगे। वैसे मोस्टली क्वेश्चन में आपको पहले बोलता है कि वो सर्कुलर बैठे हैं या नॉर्थ में उनका फेस है या जो भी उनका जो होता है वो आपको पहले क्वेश्चन में बोल के देता है मोस्टली क्वेश्चन में। फिर आपसे कहता है वो अब 7 persons हैं, ठीक है, तो आपको पता है एक रूम में बैठे हैं तो आपको ऐसे 7 स्पेस बनाने हैं, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब आपसे वो कह रहा है कि ओ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि जो ओ है वो एस के जस्ट उल्टे हाथ पे, लेफ्ट मतलब उल्टे वाला हाथ, ठीक है, उल्टे हाथ पे बैठा है। अब दाहिना बाहिना मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेफ्ट का मतलब उल्टे वाला हाथ, राइट का मतलब सीधे वाला हाथ, ठीक है। तो देखो, जो ओ है वो एस के उल्टे वाले हाथ की साइड बैठा है, तो अगर आपका मुंह इस साइड है तो अगर ये ओ है तो इसके
जी वो जो है वो एस के लेफ्ट पे बैठा है, तो लेफ्ट किस साइड है, ये अगर एस है तो इसका लेफ्ट है इस साइड, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी पहली इन्फॉर्मेशन। अब देखो हमको ये पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे कब बिठाना है किसी आदमी को, अभी हमें इनकी पोजीशन नहीं पता। तो अगर हम इनको यहाँ पे सीधे बिठा देंगे तो पॉसिबिलिटीज़ जो पॉसिबल केसेस होंगे उनका जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अभी हमें इनको कहीं नहीं बिठाना है, अभी सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर नीचे लिख के रख लीजिए, आगे आपके ये काम आएगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखने की नहीं नीचे लिखने की है, ये आपके आगे काम आएगी, ओके। जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है वो है आपकी राइट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, जो सॉरी आर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, जो आर है वो पी के जस्ट सीधे हाथ पे बैठा है, जस्ट बगल में बैठा है और सीधे हाथ पे बैठा है। कौन बैठा है? आर बैठा है। कहाँ बैठा है? पी के सीधे हाथ पे। तो अगर ये पी है तो इसका सीधा हाथ इस साइड होगा और यहाँ पे क्या है, आर बैठा है। तो आपको जो है दो चीज़ें पता चल चुकी हैं कि इनकी पोजीशन यही होगी हमेशा, जहाँ पे ओ आएगा उसके राइट में एस आएगा और जहाँ पे पी आएगा उसके राइट में आर आएगा, इनके बीच में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं, ओके। इसके बाद आपसे कहता है एन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ पर्संस ऑन आइदर साइड ऑफ हिम इन द रो, जो एन है ये सब सपोज करिए एन है, इसके दोनों तरफ बराबर लोग बैठे हैं, अगर इसके इस साइड दो लोग बैठे हैं तो इस साइड भी इसके दो लोग ही बैठे हैं, ठीक है। तो आपको इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि एन जो है वो बीचों बीच में बैठा है। तो अब हम यहाँ पे एक सीट फिक्स कर सकते हैं एन की, कि एन कहाँ बैठा है। तो इसका जो एकदम मिडिल वाली सीट है वहाँ पर हम एन को बिठा देते हैं। तो ये इसके मिडिल वाली सीट है, तीन इस साइड तीन इस साइड, एन बैठ गया बीच में, ओके। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो आपसे कह रहा है एम इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, जो एम है वो एन के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, यानी कि ये जो एम है जो कहा जाए एम है, ये एम एम जो है वो एन के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। तो इसका इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, ये तो यहाँ पर क्या बैठा है, एम। तो आपका जो एम है वो यहाँ पर बैठा है, ठीक है। इसके बाद आपसे कह रहा है एंड देयर आर एग्जैक्टली थ्री पर्संस बिटवीन एम एंड एस, ठीक है। तो जो एम है और जो एस है उसके बीच में तीन लोग बैठते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया, अब इसके बाद आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा दिमाग लगा के, ठीक है। तो देखो एम के और एस के बीच में तीन लोग बैठते हैं, तो इस साइड तो तीन लोग आ ही नहीं सकते क्योंकि सात जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जो सीट है जो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो इसके बाहर तो कोई बैठेगा नहीं, ओके। तो एस कहाँ बैठ सकता है, तो एक सीट दो सीट और तीन सीट, तो एस जो है सिर्फ यही एक जो वो है जगह जहाँ पे एस जो है आ सकता है, ठीक है। तो आपका एस आ गया यहाँ पे। अब आपके क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन हो चुकी है ख़त्म, अब आपके पास अब आपने जो है लिख लिया है, अब आपको यहीं से सॉल्व करना है, अब आपको वापस क्वेश्चन नहीं देखना है, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन्फॉर्मेशन आप सही तरीके से लिखो, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन आप इस तरीके से लिखो कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके वो काम आए, ठीक है, और आपको उससे कुछ समझ में आए। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, स्टार्टिंग में आपको कई बार तो ये समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या लिख लिया है उसका मैं क्या करूँ, ठीक है। एटलीस्ट जब आप 25-30 क्वेश्चन कर लोगे तब आपको काफ़ी आसानी होगी इन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में, ओके। तो देखो ये एस है और एस के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन बैठा है, ओ, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ओ जो है वो सिर्फ यहीं पे आ सकता है, इसके अलावा इसकी और कोई सीट नहीं है, ओके। अब देखो अब यहाँ पे हमें फिर से अपना थोड़ा सा रीजनिंग यहाँ पे अप्लाई करनी है, थोड़ा सा एप्टीट्यूड हमें यहाँ पे लगाना है, और एक हम डिडक्शन यहाँ पे लगाते हैं क्या, कि जो पी आर हैं वो दोनों तो अगल बगल में बैठेंगे, तो ये जहाँ भी बैठेंगे इनको चाहिए दो सीट, ठीक है। अब दो सीट कहाँ पे खाली हैं, दो सीट सिर्फ यहीं पे खाली हैं और कहीं पे दो सीट खाली नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ P और R के लिए सिर्फ यही दो जगह बचती हैं। अब देखो यहाँ पे P और R क्यों आया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं। दूसरी बात, जो R है वो P के राइट हैंड साइड में रहेगा, हमेशा इमीडिएट राइट में रहेगा, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ओके। तो देखो आपकी सात में से छः सीटें आपकी फुल हो चुकी हैं, एक सीट बची है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, जो एक जो वर्ड था वो रह गया है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा, एम एन ओ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू आपका आ जाएगा, तो आपका जो अरेंजमेंट बनेगा सीटिंग अरेंजमेंट वो इस प्रकार से होगा।
अब इसके बाद वो आपसे कोई भी क्वेश्चन जो इसके ऊपर पूछेगा उन क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हो। अब आपसे वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि क्यू के बगल में कौन बैठा है, क्यू लेफ्ट एंड से कौन से पोजीशन पे है। जैसे सपोज करो वो आपसे पूछता है कि हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू क्यू, ठीक है, तो क्यू के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, तो इसका आंसर होगा ओ। फिर आपसे पूछ सकता है कि एन की पोजीशन बताओ राइट एंड से, ठीक है, राइट कोने से एन की पोजीशन बताओ, तो क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पोजीशन है, ठीक है। क्यू के फोर्थ राइट में कौन बैठा है, तो फोर्थ राइट तो कोई है नहीं, क्यू के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो पी बैठा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है। तो आई होप आपको जो बेसिक है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। इसके बाद मैं डेली एक वीडियो तो ज़रूर डालूंगा, ठीक है, कोशिश रहेगी एक से ज़्यादा डाल दूँ, लेकिन एक वीडियो ज़रूर डालूंगा जिसमें कि मैं आपको एक सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और जो उसकी छोटी छोटी बारीकियां हैं वो आपको सिखाऊंगा। ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस था, अभी कुछ दिन थोड़े बेसिक क्वेश्चंस चलेंगे। ये लीनियर वेरिएबल है, पहले सिंगल वेरिएबल पे दो तीन क्वेश्चन करेंगे, फिर डबल वेरिएबल पे, फिर थ्री वेरिएबल पे, फिर लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स करेंगे, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैसे आते हैं वो बताऊँगा, ठीक है, और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट पे और बाकी हम फिर देखेंगे आगे क्या टॉपिक उठाते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक के ऊपर पेज भी है, ग्रुप भी है MAL ट्यूटोरियल्स के नाम से, उसको सर्च करें, ज्वाइन करें, और अगर आप कोई वहाँ पे सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कोई आप वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस टॉपिक की वीडियो बनाइए आप वहाँ बता सकते हैं, मैं वो वीडियो भी डाल दूँगा। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, बाय।